मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो खड़ी होने पर उन्हें धमकाने की साजिश सचिन बाजी ने रची, घटना को अंजाम दिया, जितना हो सकता था सारे सबूत नष्ट किए और हद तो तब हो गई जब उद्धव ठाकरे के इशारे पर पूरे मामले की जांच भी सचिन बाजी को ही सौंप दी गई। मतलब कि अपराधी को ही एक तरह से जज बना दिया गया और इस खेल का अंजाम क्या होता इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बौखलाहट के पीछे का यही डर है कि अब मामला अपने अंजाम तक पहुंचेगा और इस पूरे मामले में एनआईए लगातार बड़े खुलासे करती जा रही है। एनआईए ने नया खुलासा करते हुए बताया कि जो स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी लावारिस अवस्था में मिली थी वह कभी चोरी ही नहीं हुई थी। जब यह मामला सामने आया था तब ये थ्योरी भी सामने आई कि ये स्कॉर्पियो विक्रोली इलाके से चोरी की गई थी और इस मामले में स्थानीय पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। एनआईए सूत्रों का ये कहना है कि सचिन बाजी ने अपने घर के बाहर लगे हुए तमाम सीसीटीवी के फुटेज भी झूठ बोलकर हासिल किए थे। बाजी ने सोसाइटी के अधिकारियों से ये कहा था कि यह डीवीआर पुलिस के इस्तेमाल की चीज है, उन्होंने यह फुटेज लेकर उसे नष्ट कर दिया था ताकि कभी जांच होने पर जांच टीम को सबूत हाथ लगे ही ना। एनआईए को वजह के एक सहयोगी का लेटर भी मिला जिसे उसने सोसाइटी के फुटेज हासिल करने के लिए लिखा था। पत्र में वजह के हस्ताक्षर भी थे। पत्र में लिखा गया था कि यह फोटो एंटीलिया केस की जांच के लिए मांगे जा रहे हैं। सचिन वजह को हिरासत में लेकर एंटीलिया मामले की जांच कर रही है। एनआईए की टीम को ये भी पता चला कि वजह ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर दे दी, यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। एनआईए को ये भी पता चला कि सचिन वजह नंबर प्लेट बनाने की दुकान पर गए थे जहां से उन्होंने स्कॉर्पियो और इनोवा के लिए फर्जी नंबर प्लेट्स बनवाई थीं। स्कॉर्पियो पर एक स्कूटर के नंबर की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था और इस मामले में वजह के सहयोगी रियाज गाजी से भी पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।